ऑफ लाइट, पर चैप्टर का टाइटल ही समझते हैं सबसे पहले। चैप्टर का मतलब क्या है? तो लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? हाँ, तुम लाइट के बारे में क्या जानते हो? हाँ, बोलो ना। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो तो बताओ। अगर सिंपल भाषा में बोले, लाइट वो चीज़ है जो दूसरी चीज़ों को रोशनी देती है ना। तो मतलब साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर मान लो ये है तुम्हारी आंखें, मान लो ठीक है, सभी चिराग। अब तुम एक रूम में जाते हो घर में रात के टाइम पे, और लाइट बंद कर देता हूँ मैं रूम की, तो क्या तुम उस रूम के अंदर की सामान, चीजें, खटिया वगैरह, फैन, क्या तुमको दिखाई देंगे? लाइट ऑफ है ना, सब बंद करके रखे, अंधेरा हो गया, तो चीजें दिखाई देगी तुमको? तुम्हारी आंखों से तुम चीजों को देख पाओगे? ऑफकोर्स नहीं देख पाओगे ना। पूरे रूम में अगर अंधेरा है तो चीजें दिखेगी ऐसा? तुम टकराओगे चीजों से, वो अलग बात है। अगर बाहर से रोशनी आ रही तो देख पाएगा। इसे क्या समझ में आ रहा है कि हमारी आंखें वही चीज को देख सकती है जिस पर लाइट पड़ती है, राइट? तो ये कुछ अलग चीज नहीं लग रही तुम्हें, कुछ अलग जानकारी मिल रही। मतलब क्या है कि घर पर जब लोग लाइट किसी चीज से टकराती है, और उस टकराने के बाद जब वो तुम्हारी आंखों के अंदर एक रेटिना होता है, पता होगा तुमको, उस रेटिना से टकराती है, तो वो चीज फिर तुम्हें दिखाई देती है ना। यहाँ से एक नई जानकारी क्या मिली कि हम किसी चीज को तभी देख सकते हैं जब उस पर रोशनी की किरण या रोशनी पड़े। जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी हम वो चीज को नहीं देख सकते। समझ में आया चिराग? मान लो अगर मैं यहाँ पे भी अंधेरा कर दूँ स्क्रीन पे, जैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे अंधेरा है, तो स्क्रीन अंधेरा हो जाता है तो मैं कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये कौन आ गया? समीर है क्या? अच्छा, तुम ही हो। समझ में आया चिराग? तो चीजें हम लोग कर रोशनी पड़ रही है, तो ये जानकारी तुम्हारे लिए नहीं थी कि आ गया। अब हम लोग को सेकंड समझ रहे हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब कोई लाइट एक मीडियम से, एक मीडियम मतलब देखो हर एक चीज किसी ना किसी चीज के अंदर से ही ट्रैवल होती है, बराबर। तो मीडियम वो चीज को बोलते हैं, या इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम नहीं है ये। मीडियम का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जरिया जिससे कोई चीज ट्रैवल हो। जैसे अगर मैं बोलूँ चिराग एक काम कर, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, तो तुम उस चीज को लाने के लिए तुमको चलना पड़ेगा। तुम चलोगे कहाँ पे? सरफेस पर, बराबर। तो सरफेस क्या हो गया? फ्लोर क्या हो गया? सरफेस क्या हो गया? ये सरफेस है तुम्हारा मीडियम। इस मीडियम की वजह से तुम वॉक कर पा रहे हो। तो लाइट का मतलब हम लोग ने देखा, लाइट क्या है? एक टाइप की वेव होती है। इस वेव को ट्रांसफर वेव बोलते हैं, और ये ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम जो ऑर्डिनरी लाइट देखते हैं वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली फैलती है। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाकी पार्टिकल से अलग होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि बोलते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो हमेशा बैंड होती है, मतलब अपनी जगह चेंज करती है। इसके एग्जांपल समझते, पहले ये समझते हैं मीडियम का मतलब क्या है। तो मान लो अगर मैं ट्रेन की बात करूँ, तो ट्रेन किस पे चलती है? हाँ चिराग, मतलब ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक की जरूरत होती है। तो ट्रैक क्या है? उसके लिए एक माध्यम, मीडियम है, राइट। इस मीडियम में ही वो ट्रेन चल सकती है। तो हर एक चीज का मीडियम होता है, और वो चीज उस मीडियम में ट्रैवल करती है। सिर्फ लाइट एक यूनिक प्रॉपर्टी रखती है जो हर एक मीडियम में जा सकती है, मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस, तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, क्लियर? ओके। तो लाइट का जो ये ट्रैवल कर रहे हैं ना अलग अलग मीडियम में, वो उस मीडियम के हिसाब से उसकी स्पीड अलग अलग होती है। यहां तक क्लियर? तो मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड जो लाइट की होती है वो गैस मीडियम में होती है, उसके बाद सबसे कम स्पीड लिक्विड में होती है, और उसके बाद सबसे कम सॉलिड में होती है। इससे ये पता चल रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको थोड़ा ट्रबल आता है ट्रैवल करने, राइट। तो उतना स्मूथली ट्रैवल नहीं कर पाती है। जैसे मान लो अगर एक ट्रेन है वो पटरी पे चल रही है, और अचानक वो पटरी से पलट जाती है और पटरी से उतर जाती है। ऐसे केस बहुत एक्सीडेंट हुए हैं हमारे इंडिया में, है ना। तो जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरती है तो वो सीधा चलती है क्या? नहीं, वो आड़ा टेढ़ा चलती है और पलट जाती है। इसका मतलब क्या? पटरी पे चलती है तो वो स्मूथ चल लेती है, पर जब वो दूसरे मीडियम, जब प्लेन सरफेस पर आती है, खड़बुड़े सरफेस पर, तब वो ट्रेन का जो लोकेशन है, जो उसका मोशन है, वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब आड़ी टेढ़ी चलने लगती है ना, इन्हें डायरेक्शन उसका बदल जाता है, करेक्ट चिराग? तो बिल्कुल इसी तरह से मान लो ये एक सरफेस है, मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है,
ये वाली जो सरफेस है वो एयर है, गैस सरफेस है, यहाँ पर हवा है। अब तुमने एक टॉर्च ली और लाइट मारी, तो जैसी टॉर्च की लाइट जाएगी हवा से जैसी कांच में जाएगी तो तुम्हारा जो लाइट का डायरेक्शन वो ऐसा बैंड हो जाएगा। ये बैंडिंग ये बता रहा है कि जब तक वो एयर में थी तो स्मूथली जा रही थी, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आई, ग्लास एक अलग मीडियम है बरोबर, तो उसमें वो बैंड हो गई। ये बैंड की हुई आप रीजन समझ में आया, जैसे ट्रेन का हाल हुआ वैसे हुआ, मीडियम बदलने पर लाइट की जो स्पीड है उसका डायरेक्शन सब कुछ बदल जाता है, तो एक्चुअली वो स्पीड बदलने की वजह से हो रहा है। इसके एक और एग्जांपल है, तुमने देखा तुम शॉपिंग करने गए होंगे डीमार्ट वीमार्ट है ना, तो हम लोग वहाँ पे ट्रॉली लेते हैं, तो ट्रॉली का तुमने देखा है जब तक तुम शॉप मॉल के अंदर शॉप कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो मॉल के अंदर, उस सरफेस पे तुम्हारी ट्रॉली बहुत अच्छी चलती होगी है ना, स्मूथली जितना फेंकोगे उधर जाएगी है ना, तुम घुमाते होंगे ट्रॉली को। पर वही जगह जब तुम बाहर आ जाते पार्किंग एरिया में तो क्या होता है, ट्रॉली तुम्हारे हिसाब से चलती है, खड़बड़ी नहीं, कभी लेफ्ट में भाग रही है कभी राइट में भाग रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है, स्मूथ सर्फेस पर उसका डायरेक्शन एकदम प्रॉपर था, पर जब रफ सर्फेस आ रहा है ट्रॉली आड़ी तेड़ी चल रही है राइट, मीन उसका डायरेक्शन क्यों बदल रहा है, बिकॉज सर्फेस की वजह से, वो सर्फेस क्या उस ट्रॉली के लिए मीडियम हो गया है ना। तो यहाँ पर ये एग्जांपल इस लाइट के लिए भी सेम रहेगी, अगर आप लाइट मीडियम बदलते हो तो लाइट की स्पीड बदलती है। तो तालाब में फिश होती है ना, बहुत सारी फिश होती है, तुम्हें पता है वो छोटे छोटे इंसेक्ट खाती है, तो तुम्हें पता है मान लो पेड़ में इंसेक्ट यहाँ पर बैठा है, अब उसको खाना है जम मारना है, तो उस फिश को वही इंसेक्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है पता है, उस फिश को वो इंसेक्ट यहाँ पर दिखाई देता रहता है, सोचो। उसके बाद भी वो जंप मार के सही जगह पहुंच जाती है, यानी फिश को भी रिफ्रैक्शन के बारे में पता है कि अगर आपको चीज यहाँ दिख रही है पर वो एक्चुअली किधर पे, यहाँ पर है ना। चैप्टर के अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हमने देखा बहुत सारे बच्चे कांच को अपनी आंखों पे मारते हैं या घड़ी से चमकाते हैं सूरज की रोशनी को आंखों पे, वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है, लाइट की रोशनी कांच पे पड़ती है फिर वो कांच से तुम्हारे आंख पे मार रहे हो रोशनी, तो लाइट का टकरा के वापस वहीं पे बाउंस बैक होना बॉल की तरह, तो तुम दीवार पे बॉल मारे हो बाउंस बैक हो रहा है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि आप जितना ज्यादा लाइट को बैंड करेंगे उतना ही बैंड के साथ वो लाइट तुम्हारी तरफ पहुंचेगी, सिर्फ यही बताता है। तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी ज्यादा नहीं। वी हैव सीन दैट जनरली लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट, बोलते हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। इसके एग्जाम्पल है गाँव में तो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी की लाइट देखे हमेशा स्ट्रेट पड़ती है ना, बिकॉज ऑफ दिस इफ अन ऑपेक ऑब्जेक्ट, ऑपेक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट टकराती है इन इट्स पाथ, अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, ऑपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, मान लो तुम एक लाइट के बीच में खड़े हो, रोशनी यहाँ से आ रही है तो तुम्हारे पीछे उसकी परछाई बनेगी बरोबर, तो ये परछाई क्यों बनी, क्योंकि लाइट के बीच में तो उतने हिस्से की लाइट छुप जा रही है, तो लाइट छुपने की वजह से पीछे क्या बन रहा है उस चीज का शेडो। अभी भी देखो बहुत सारा शेडो बनता रहता है ना सूरज की धूप की वजह से, दैट इज कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट का क्लियर मतलब वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को रोक रहा है उतने हिस्से को, जिसकी वजह से उसके बैक साइड में शेडो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का। वी हैव ऑल्सो सीन प्रीवियस क्लास हैव दिस शेडो चेंज ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट, और बताइए शेडो चेंज भी होता रहता है जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज होता रहेगा। तुमने क्लॉक के बारे में सुना है, पुराने जमाने में क्लॉक रहती थी जो सूरज के बेस पे काम करती थी, तो एक्चुअल काम कैसे करती थी, ऐसा सर्कल बनाते थे और बीच में एक लकड़ी लगा देते थे, अब सूरज की रोशनी जब यहाँ से आती थी तो उसका जो शेडो है वो यहाँ पर दिखाई देता था, इसका वो जो रॉड है जो भी लकड़ी है ठीक है, अब जाहिर है सूरज तो पोजीशन चेंज करता रहेगा उस हिसाब से वो जो शेडो का पोजीशन भी चेंज होता रहता, और इस तरह से जो पुराने लोग थे वो टाइम को समझ पाते थे। अच्छा है ना, अजीब है कि नहीं, तो आई होप ये समझ में आएगा। सोर्स क्या है, वो चीज जो लाइट दे रही है, ऑब्जेक्ट कौन है जिस पर लाइट पड़ रही है, क्लियर, आगे बढ़ क्लियर है। चार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब मटेरियल लो, ग्लास लो, 5 रुपए का कॉइन लो, पेंसिल सब ले लो, अब चलो टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ग्लास ऐसा लो जो ट्रांसपेरेंट दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट हो, फिल इट विद वाटर, उस ट्रांसपेरेंट मान लो एक ग्लास ही ले लो, तुमको पता चाय का जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है ना, उसमें पानी भर लो, चलो भर लिया, डीप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल, चलो पेंसिल डाल दिया, अब तुमको भी पता है पेंसिल डालूंगा तो मेरे को पेंसिल कटी हुई दिखाई देगी,
द पोर्शन वर्टिकली एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ पोर्शन ऑफ द पेंसिल, और पेंसिल का थिकनेस पता करो। नाउ कीप पेंसिल इंक्लाइन टू द वाटर सरफेस, अब पेंसिल को ना इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बैंड करके डालो, आप सीधा मत डालो उस चीज़ को, बैंड करके डालो, क्लियर। चीज़ों को अगर बैंड करके डालते हो तो वो चीज़ में ना तभी आपको ये जो लाइट की प्रॉपर्टी दिखाई देगी, अगर कोई भी चीज़ को तुम सीधा डालोगे ना तो तुम्हें लाइट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, ये रूल ये याद रखना, ठीक है। तो इंक्लाइन का मतलब क्या, बैंड करके डालना। ऑब्जर्व द थिकनेस, इन बोथ द केसेस द पोर्शन पेंसिल इनसाइड वाटर अपीयर टू द थिकर देन द पोर्शन ऑफ द अबव वाटर। इस केस में क्या पता चल रहा है कि बाहर पेंसिल पतली दिखाई दे रही है, जैसे पानी में जा रही तो वही पेंसिल थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है। तो हर एक केसेस में क्या पता चल रहा है कि इस केस के अंदर मुझे ये बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सारे केसेस में ये पता चल रहा है कि आपको पेंसिल पहले तो बड़ी दिखाई दे रही है और दूसरा बैंड करके डालने पर ये क्या ऑब्जर्व हो रहा है, पानी में जैसे पेंसिल का जो अक्ष है आपको थोड़ा अलग जगह से दिखाई देगा, ऐसा है जैसे पेंसिल ब्रोक हो गई है दो हिस्सों में, है ना। ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि इसमें ज़रा ध्यान दो, जैसे तुमने कांच के ग्लास में पेंसिल डाली है तो तुम्हारे को पेंसिल देखो बैंड तो दिखाई दे रही है और साथ साथ एक मोटी भी दिखाई दे रही है, राइट। ऐसा लग रहा है पेंसिल टूट गई पर एक्चुअल पेंसिल टूटी नहीं है, हमें यहाँ से जो हमें एक्चुअली क्या लग रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये रीज़न मैंने बताया कि पहले पेंसिल हवा में थी, हवा का अलग मीडियम है और पानी अलग मीडियम है, जैसे ही पेंसिल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो जाहिर बात है क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन मैंने बता रहा जो भी चीज है वो बैंड होती है, लाइट भी बैंड होगी तो जारी बार एक्चुअली लाइट हमें बैंड दिखाई दे रही है, पेंसिल एक्चुअल अभी भी वही है जो जहां पे रहनी चाहिए, बरोबर। समझ में आया ये क्यों ऐसा हो रहा है, चरा ना हो तुमको आप समझ में आ गया होगा, है ना। एक और केस तो को राइट साइड में दिया हुआ है, हो रहा है कि 5 रुपए का कॉइन है, उस कॉइन को ना तुम पानी में डाल दो और उस ग्लास में कॉइन डालने के बाद फिर उसको ऊपर से देखो तो तुमको कॉइन दिखाई देगा, अब जैसे ही तुम पानी भरोगे ना वो कॉइन गायब हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि कॉइन जब ज्यादा पानी डाल रहे हो ना तो कॉइन जो रिफ्लेक्शन कर रहा है इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है कि अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, मतलब वो बाहर उसका जो रिफ्लेक्शन वो हो ही नहीं पा रहा है, इस वजह से कॉइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक्चुअल कॉइन प्रेजेंट है पर वो विजिबल नहीं होगा। ये सब मैजिक ट्रिक्स है जो यूज होते हैं साइंस ट्रिक्स में, तुम्हारे पास मेरे जो है ना चैनल वहां पे तुमको ये सब एक्सपेरिमेंट दिख जाएंगे छोटे छोटे। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो कॉइन्स है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कर रहा है, अंदर जाके ना ऐसा रिफ्लेक्ट ही हो जा रहा है, उसका अक्स बाहर बन ही नहीं पा रहा है। इन बोथ द अबव एक्टिविटी ऑब्जर्व एफेक्ट आर क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये सारी एक्टिविटी क्यों दिखाई दे रही है, बिकॉज अंदर जो पानी है ये बिल्कुल ग्लास की तरह काम कर रहा है और क्या कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमारे को डेफिनेशन से आप आई होप क्लियर हो गया होगा चिराग। तो लाइट अपना डायरेक्शन कब बदलती है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, इसी प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कीप अ ग्लास स्लैब ऑन अ ब्लैंक पेपर, अब बोल रहा है कि ग्लास स्लैब ले लो, ग्लास स्लैब को किसको बोलते हैं, एक कांच होता है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है, इस शेप के ग्लास को ग्लास स्लैब बोलते हैं। बोल रहा है कि उस पर पॉइंट दे दो, अब जारी बार रेक्टेंगुलर है तो उस पर पॉइंट भी दे सकते हैं पी क्यू आर एस, इस तरह से जो कि पिक्चर में दिखाया, नीचे पिक्चर देख लेंगे। ड्रॉ अ इंक्लाइन लाइन, और बोल रहा है कि पी क्यू से एक इंक्लाइन लाइन खींचो, ठीक है चलो देख ही लेते हैं। देखो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा हो पी क्यू पर एक इंक्लाइन लाइन, मतलब कोई भी लाइट जो बैंड खींची गई हो, समझ में आया चला, पर सीधी नहीं खींच सकते, बैंड खींचना। ओके आगे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्लैब, और उसके बाद बोल रहा है कि लाइन खींचने के बाद तुमको ना इसी लाइन का जो इमेज है वो दूसरे साइड से देखना, कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो इंसिडेंट लाइन है वो तुमको इधर पे कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो तुम ऑब्जर्व करोगे वो लाइन ना तुमको अंदर कहीं और दिखाई देगी, तो तुम ऐसा क्या करोगे, ऐसा पॉइंट लगा दोगे, मतलब यहाँ पे दो पिन लगा दोगे और ये पिन्स को तुम ना उसी ग्लास स्लैब, जाहिर बात है थिक ग्लास स्लैब है वो काफी, है ना, तो क्या करना है, इधर पे तुमने लगाया ना और इधर से तुमको देखना कि इधर से वो पिंस कहाँ पे दिखाई दे, तुमको वही पिंस ना इधर से कहीं और दिखाई देंगे, तो वो हिसाब से पेज में ऐसा पॉइंट लगा देना। तो तुमने ये पॉइंट यहाँ पे लगाया, मतलब तुमको यही चीज का जो इमेज है तुमको यहाँ दिख रहा है, राइट। अब क्या करोगे, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को जोड़ दोगे, समझ में आया चर, इजी है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया, बेसिक चीज कर रहे हैं, कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं। आप क्या बोल रहा है,
नाउ रिमूव द चिप, उसके बाद वाला चिप को रिमूव करो और ड्रॉ कर दो जो मैंने बता दिया तुमको। अब बोल रहा है पॉइंट एम और एन को भी ज्वाइन करो, ऑब्जर्व द रे। अब बोल रहा पॉइंट ए एन और इसको भी ज्वाइन करो, तो ये ज्वाइन किया। अब ये कैसे बनाएंगे, तो ये रे भी तो बनाना है अपने को, तो ये रे ना हम लोग इसकी मदद से बनाएंगे, इमर्जिंग रे की तरफ से, कि जब लाइट यहाँ से यहाँ पास हो रही है कितने का एंगल बना रही है, उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान है, बोलते हैं कि जितना लाइट इंसिडेंट का एंगल बनाती है उतना ही वो रिफ्लेक्शन का बनाती है। जब लाइट इसके बाहर निकलेगी तो इमर्ज करेगी। चलो देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ होगा। ज्वाइंट एम एंड एन, बोल रहे कि एम और एन को ज्वाइन करो। देखो हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। एंड ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे, ए एन को ऑब्जर्व करो और इमर्जन रे एम डी को ऑब्जर्व करो। ये जो रेज बनी है वो विद द हेल्प ऑफ अपर रे से ही बनी है। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर वेन द लाइट रे इंटर द ग्लास, तो ये जो ए एन है ये फर्स्ट लाइट रे जो एयर से इसके अंदर जा रही है ना, पी क्यू के सरफेस के जरिए। यानी ये पी क्यू क्या हो गया, ये हो गया मेरा बाउंड्री या सरफेस हो गया, राइट। और वहां से वो रिफ्रैक्शन होके ग्लास के अंदर जा रही है, इंटर द एयर थ्रू अ ग्लास पॉइंट एम, और ये ग्लास के अंदर है, ग्लास एन से एम में जा रही है, ये अंदर का हिस्सा है। एंड सेकेंड इट इज आई वन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इज आर, वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है। नॉट दैट आई वन इज इक्वल टू आर, यहाँ पे जो आई वन है, आई वन क्या है, तो ये जो आई वन है ना वो ये आर के बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ये हम लोग ने पढ़ा है, जो अपोजिट एंगल ना ज्योमेट्री में पढ़ा है हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि दो अपोजिट एंगल बराबर है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू आई, अगर ये दो बराबर है तो बोल रहे हैं कि जो इमर्जन एंगल है ना मैंने इस आई की मदद से ही बनाया, जितना ये एंगल होगा ना मैं इसको काउंट करूंगा उतना ही एंगल का मैं इमर्जन एंगल भी बना दूंगा, यही देखो लिखा है, ओके। इन द सेकंड एयर इज इक्वल टू द आई, मतलब इसके बराबर है, आई और ई बराबर है, इन दोनों का एंगल भी बराबर होंगे, समझ में। तो इसके लिए डी यूज करना पड़ेगा एंगल के लिए, बरोबर। ऑन द बोथ पैरेलल साइड पी क्यू एंड आर एस, अब देखो पी क्यू की जो लाइन है और आर एस की लाइन है ये दो एक दूसरे के ऊपर और नीचे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को पैरेलल बोलते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे के अप एंड डाउन होती है, क्लियर। टच और बोल रहे कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ही मेरा लाइट चेंज कर रहा है अपने डायरेक्शन को, बरोबर। Thus, the light ray MD emerge from the glass slab is parallel to the incident ray AN. तो यहाँ पर ये जो लाइट है वो पैरेलल है और यहीं पर वो चेंज कर रही है डायरेक्शन को भी। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि जब कोई लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल के बेस पर इमर्ज होती है और बाहर निकलती है। और दूसरा हमने क्या समझ में आया कि जो आई का एंगल होगा और ई का एंगल वो बराबर होगा। सिमिलरली जब लाइट अंदर रिफ्रैक्ट करेगी तो जो आर का एंगल होगा वही आई का एंगल होगा जहां से वो निकलने वाली, क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, किसकी मदद से, ग्लास स्लैब की मदद से लाइट के रिफ्रैक्शन की, क्लियर है चरा यहां तक। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, व्हाट फील्ड ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद द सेम वेलोसिटी इट्स ट्रैवलिंग एयर, क्या लाइट की जो स्पीड है क्या वो ग्लास स्लैब और एयर में बराबर थी क्या? ऑफ कोर्स नहीं थी, तभी तो चेंज दिख रहा है हमें लाइंस का। यानी यहाँ पर हम जो लाइन यूज कर रही है, लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइट को, कि हम लाइट को दिखा नहीं सकते ना, तो लाइट को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लाइन का यूज कर रहे हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, लाइट की रेज है वो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एयर और ग्लास स्लैब के अंदर लाइट की जो स्पीड थी वो एक जैसी नहीं थी। विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी द सेम इन ऑल मीडिया, क्या लाइट की वेलोसिटी हर मीडियम में सेम होती है, तो ये भी इसका आंसर है नहीं, हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड सेम नहीं होती। और मैं कुछ वर्ड देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक वर्ड तुमने 11 में पढ़ा होगा, रेयरर मीडियम, तुम्हारे मिस ने बहुत यूज किया होगा ये वर्ड, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, सुना ये वर्ड 9th क्लास में 8th क्लास में। तो मैं बताता हूँ, रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब बताओ कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एयर में, राइट ना चिराग। और कहाँ पे सहायता होगी, स्पेस में, स्पेस में हवा नहीं होती यानी वैक्यूम में। तो इनको क्या बोलते हैं, ऐसा मीडियम जहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। अब डेंसर मीडियम क्या हो गया, इनको छोड़कर, जैसे ग्लास ले लो, ग्लास एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है तभी तो वो बैंड होती है। यहाँ पे हमें एक नई जानकारी क्या पता चली चिराग, कि जब कहीं पे चीज़ों की स्पीड बदलती है तो उसका डायरेक्शन भी बदलता है उसके साथ साथ, राइट। चलो मैं इसके आगे बढ़ते, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। हम रिफ्रैक्शन के कुछ नियम पढ़ने वाले हैं,
जो हमें मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये नियम फिक्स होते हैं यूनिवर्सली। लेट अस स्टडी द लाइट रे एंटरिंग अ ग्लास। एक लाइट है जो ये मान लो ये ग्लास है, ये जो रेक्टेंगल बना ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और ये बाहरी हिस्सा क्या है, एयर मीडियम है, ये हिस्सा ग्लास मीडियम हो गया। अब मैंने बताया एयर मीडियम को क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, ग्लास मीडियम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, वो प्लेस जहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट ए से आ रही है और ए से वो कहाँ पे टकराएगी, पॉइंट सी डी पे टकराएगी। सी डी एक लाइन खींची गई है, इस लाइन को नॉर्मल रेज बोलते हैं। अब सवाल है कि नॉर्मल लाइन क्यों खींची जाती है, तो ये लाइन इसलिए खींचते हैं ताकि हम लोग किसी भी लाइट के रेज का एंगल कैलकुलेट कर सकें। समझ में आया चरा? अब यहाँ से लाइन खींचने के बाद जारी बात है, लाइट जैसे अंदर जाएगी देखो थोड़ी बैंड हो गई है, तो ये जो आ रही है क्या है, रिफ्रैक्शन बोलते। ये जो एंगल है, ये एंगल ज़्यादातर सेम ही बनते हैं, जितना इंसिडेंट होगा लाइट जितना बाहर से एंगल बनाएगी उतना ही अंदर बैंडिंग ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द स्लैब एट दैट पॉइंट सी डी। तो ये सी डी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है वो दो हिस्सों को डिवाइड करता है और एंगल को डिसाइड करता है कि एंगल कितने का बनेगा। समझ में आ चला? अगर ये लाइन में खींचेंगे ना तो हम लोग एंगल नहीं बता पाएंगे, ये लाइन नॉर्मल सीधी खींच देने का, ये हमेशा जो सरफेस है ना नॉर्मल लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी ऑलवेज। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एयर एंड ग्लास द रेशो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, वो रहे कि इनका जो रेशो होगा वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा, यानी बराबर होगा। हेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है साइन आई एंड साइन आर, अब क्वेश्चन है कि ये साइन क्यों लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, तो इसका रीजन है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अपोजिट क्या रहेगा, ये हिस्सा अपोजिट हो गया और ये हिस्सा क्या होगा, हाइपोटेनस, बरोबर। यानी मेरे को ये हिस्से से और ये हिस्से से मुझे ये आइडिया आ रहा है कि लाइट कितनी फैल रही है, करेक्ट। चरक इसी वजह से साइन वर्ड ले रहा है कि साइन मुझे आइडिया बता रहा है कि लाइट कितनी बैंड है, कितनी दूर है इस लाइन से और उसका हाइपोटेनस का डिस्टेंस क्या है, इससे मैं इजीली लाइट का डायरेक्शन पता कर सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री साइन आई है, साइन ही एक ट्रिग्नोमेट्री साइन है जो लाइट के डायरेक्शन को एक्चुअल बता रहा है, और कोई साइन लूंगा ना कॉस लूंगा तो वो सही से नहीं बताएगा मुझे। समझ में आया चरा? तो कोई भी चीज नहीं लेते, ट्रिग्नोमेट्री के साइन एक रीजन के तहत यूज किए जाते हैं। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि साइन आई एंड साइन आर इज बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर कॉन्स्टेंट। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट साइड लूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, एन। ये एन क्या है, तो एन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है ना तो उसकी जो स्पीड चेंज होती है ना उस स्पीड का कैलकुलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करते हैं। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर तुमको किसी लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे चिराग, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे साइड में ऐसा लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया? अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अंडरस्टूड चरा? चलो आगे बढ़ जाते, यस आई होप इजी है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, तो मानते हो ना इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखे हुए, जैसे बोलते हैं कि जो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो सब कैलकुलेट की जा चुकी है, कितनी है 1.0003, तो तुमको जाहिर बात है कॉम्प्लिकेशन होगा तो सिर्फ वन याद रहो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वन ही है ना। बोलते हैं हर एक मीडियम में, हर एक अलग अलग चीज़ों में जो लाइट की स्पीड वो अलग होती है, जैसे आइस के अंदर लाइट की स्पीड क्या है 1.31, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, कि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, लाइट की स्पीड। देखो मैंने और एक छोटा वर्ड ढूंढा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट की स्पीड, तो हर एक जगह पर लाइट की स्पीड अलग अलग है ना, तो इसलिए अगर तुम मान लो अल्कोहल यूज करोगे तो उसके अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, बरोबर, अलग अलग मीडियम के हिसाब से लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। अंडरस्टूड चरा? तो ये याद नहीं करना है तुम बोलोगे सर इतना सारा याद कैसे करो, नो वरी, एक दो याद कर लो बस, ज़्यादा याद नहीं करने का। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट क्या होता है वो भी समझते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। लेट अस एक एग्जांपल दिखा रहा है यहाँ पे, लेट द वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन, बोल रहा है मान लो एक लाइट, एक अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा है ग्लास, ये ग्लास है, ये एयर है, तो मान लो एक लाइट है जो ब्लू कलर एयर मीडियम से ट्रैवल करते हुए ग्लास के अंदर जा रही, तो लाइट बैंडी होगी हमेशा की तरह। ये जो सीधी लाइन है ये दो लाइट लाइट के बीच का एंगल को बनाने के लिए बनाते और इसको नॉर्मल रेज बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया मीडियम वन, मीडियम वन वो है जहां से लाइट शुरू हो रही है, मीडियम टू वो जगह है जहां पर लाइट जा रही है, ठीक है। मीडियम वन को रेयर मीडियम भी बोलते हैं, मीडियम टू को डेंसर मीडियम भी बोलते हैं, ये भी पता है हमें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज का निकालते हैं हम लोग, लाइट की स्पीड का। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम टू, ऐसे लिखते हैं, पहले फाइनल लिखने का फिर फर्स्ट का लिखने का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, समझ में आया चरा, रेशियो लिख देने का, वी वन अपॉन वी टू बोले तो ज्यादा अच्छा है। देखो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, अब ये उल्टा लिखा हुआ है, ये कैसा है, अगर तुमको वन मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब तुमको उल्टा अगर निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर से इधर पे क्या असर हो रहा है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो, वन एंड टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, समझ में आया। अभी जैसे मैं अगर टॉर्च की एग्जांपल दूं चिराग, तो टॉर्च में उल्टा होता है ना, ग्लास के अंदर से लाइट एयर की तरफ बढ़ती है, बराबर ना, तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा स्पीड लाइट कैलकुलेट करना, और अगर हवा से लाइट ग्लास के अंदर जाती है तो मैं ऊपर का फॉर्मूला यूज करूंगा, समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, समझ में आया, जब लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी, इस एग्जांपल में लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, करेक्ट। इस केस के अंदर लाइट ग्लास के अंदर से बाहर निकल रही, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है। इस केस में देखो लाइट एकदम सीधी जा रही है, एक चीज याद रखो मैंने बताया था, अगर लाइट सीधी जाएगी तो कहीं पर भी बैंड नहीं होगी, समझ में आया अच्छा। अगर तुम लाइट को परपेंडिकुलर गुजारोगे तो लाइट कुछ भी बिहेव नहीं देगी, ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, हैपनिंग ही नहीं हुआ, समझ में आया अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हैव यू सीन अ मिराज, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, तुमने देखा बहुत एक मिराज।